तो दोस्तों यार आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप सबके लिए। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दो बड़ी न्यूज निकल कर आई है सामने, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है लविश कंसल, आप देख रहे हो टेक्निकल लविश। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो दोस्तों जो पहली खबर सामने निकल कर आई है ना, जिसके बारे में आप सबको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ दोस्तों, कि iPhone 12 का मेड इन इंडिया वाला मॉडल हमें कब देखने को मिलेगा और कितना प्राइस ड्रॉप होगा जब ये iPhone 12 मेड इन इंडिया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमें पता चल चुका है दोस्तों, क्योंकि एप्पल ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है और अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि एप्पल अब अपना iPhone 12 मॉडल इंडिया में बनाना शुरू कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, शुरू कर भी दिया है। और जैसे रिसेंटली अभी पहले कुछ टाइम पहले एप्पल ने अपना iPhone 11 को भी इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया था और हमें मेड इन इंडिया वाले iPhone 11 मॉडल देखने को मिल रहे थे, वैसे ही अब हमें उस टाइम में iPhone 12 मेड इन इंडिया वाले मॉडल देखने को मिलेंगे, जो कि एक काफी अच्छी न्यूज सामने निकल कर आई है। तो दोस्तों इस चीज से बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। जी हां दोस्तों, क्योंकि एप्पल का टॉप सेलिंग मॉडल है अभी, एप्पल का अभी iPhone 12 टॉप सेलिंग मॉडल है और ये एक 5G वेरिएंट है, 5G मॉडल है। तो दोस्तों ये इंडिया में बनना एक काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है हमारे इंडिया के लिए। और दोस्तों ये एप्पल का आईफोन 12 कहाँ पे हमें बनने को देखने को मिलेगा इंडिया में, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉक्सकॉन का एप्पल का इंडियन मैन्युफैक्चरर है, एप्पल का प्लांट है चेन्नई के पास, वहाँ पे हमें आईफोन 12 बनता हुआ दिखेगा। जहाँ पे एप्पल 11 भी पीछे से हमें खबर आई थी कि आईफोन 11 भी हमें वहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से दोस्तों सारी हमें कस्टम ड्यूटी वगैरह बच जाएगी, टैक्सेस वगैरह बच जाएंगे, हमें एप्पल आईफोन को इम्पोर्ट नहीं करने पड़ेंगे बाहर से। तो दोस्तों हमें इसमें प्राइस ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है iPhone 12 में, जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है एप्पल का। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें अराउंड 10,000 रुपीस का प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है, प्राइस कट देखने को मिल सकता है, जो कि iPhone यूजर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक काफी अच्छी न्यूज है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एप्पल iPhone 12 मिनी में भी प्राइस कट देखने को मिलेगा, प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें अराउंड आपको 5,000 to 10,000 रुपीस का एप्पल iPhone 12 मिनी में प्राइस कट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एप्पल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि एप्पल अपने दो आईफोन के प्राइसेस को क्रैश कर दे, iPhone 12 मिनी और iPhone 12 का। अगर iPhone 12 का प्राइस कम हो गया तो iPhone 12 मिनी का भी प्राइस जरूर कम होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये एक काफी प्राउड वाली बात हो जाती है इंडिया के लिए कि एप्पल अपना टॉप सेलिंग मॉडल iPhone 12 को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रहा है। दोस्तों जो दूसरी बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है वो है एप्पल के होमपॉड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने जो अपना पहला फर्स्ट स्मार्ट स्पीकर लॉन्च किया था 4 साल पहले, अब एप्पल उसे अपना एप्पल होमपॉड को डिसकंटिन्यू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक काफी बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है, क्योंकि दोस्तों एप्पल ने ये कहा है कि अब वो अपने होमपॉड मिनी पे ज्यादा फोकस करेगी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी और अपना एक न्यू ओरिजिनल होमपॉड भी लॉन्च करेगी, जो वो अपने एप्पल ऑनलाइन स्टोर्स, एप्पल रिटेल स्टोर्स और अपने एप्पल ऑथराइज रिटेलर्स के थ्रू बेचेगी। तो दोस्तों एप्पल ने बेसिकली ये क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि एप्पल की जो होमपॉड की सेल्स थी ना, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं जा रही थी, क्योंकि दोस्तों जो एप्पल का होमपॉड था वो काफी ज्यादा बड़े साइज के साथ आता था और जो उसका प्राइस था 19990, वो भी इतना ज्यादा लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोस्तों इसकी जगह लोगों ने एप्पल के होमपॉड मिनी को लेना ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि दोस्तों उसका साइज भी स्मॉल है, कॉम्पैक्ट साइज है और जो उसका प्राइस है 9990, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों इसी वजह से एप्पल के होमपॉड की सेल्स काफी ज्यादा डाउन जा रही थी, काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से एप्पल ने फैसला लिया कि वो अपने एप्पल होमपॉड को डिसकंटिन्यू करने जा रहा है। और दोस्तों जो होमपॉड मिनी था उसमें आपको काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते थे, म्यूजिक प्लस कॉलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता था और वो आपके मैक के साथ भी कनेक्ट हो जाता था। तो इसी की वजह से लोगों ने एप्पल होमपॉड मिनी को लेना ज्यादा प्रेफर किया होमपॉड से। और दोस्तों जिनके पास पुराना आपका होमपॉड हो तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एप्पल ने यहाँ पे कहा है कि एप्पल अपना पुराने होमपॉड में भी रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता रहेगा और जो एप्पल की केयर सर्विसेज होती हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी एप्पल होमपॉड को लेके, तो ये एक काफी अच्छी बात हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की दो बड़ी न्यूज। यहाँ दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन करके बताओ कि आपको ये दो न्यूज कैसी लगी, और अगर आपको इस न्यूज रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।